नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो चौहान इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट चैनल और मैं आपके साथ आपका दोस्त अवधेश चौहान उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इस ट्रांसफार्मर को बनाकर दिखाऊंगा जो 48 वोल्टेज और 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रांसफार्मर की पत्ती चाहिए और ये ट्रांसफार्मर की पत्ती 3 नंबर की पत्ती है। अब इसी पत्ती के साइज की हमें एक बॉबिन चाहिए और ये बॉबिन भी 3 नंबर की बॉबिन है। और देखिए, मैं आपको इस पत्ती को इस बॉबिन में यहाँ लगा के दिखा दूँ। देखिए, बिल्कुल इसी के साइज की ये पत्ती है। देखिए, इस ट्रांसफार्मर का डाटा निकालने के लिए हमें बॉबिन की लंबाई और चौड़ाई का पता होना बहुत ज़रूरी है, उसी से हमारा डाटा निकलता है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को नाप लेंगे। देखिए, इस बॉबिन की जो हमें लंबाई और चौड़ाई जो नापनी है, यह अंदर की साइड से नापनी है और ये बाहर की साइड से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, इस बॉबिन की जहाँ से जहाँ तक जो लंबाई जो है वो 2 इंची है और इसकी चौड़ाई नापेंगे तो यहाँ से देखिए, जहाँ से यहाँ तक ये 1.25 इंची है। देखिए, आपको यहाँ मैं एक बात को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जहाँ से और जहाँ तक ये हमारी 1 इंची है और 1 इंची में हमारे 8 सूत होते हैं, मतलब 1 इंची में हमारे 8 भाग होते हैं। यहाँ से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका मतलब अगर जहाँ से जहाँ तक 4 सूत यहाँ बीच में बैठेंगे तो यहाँ हमारी 1/2 इंची हो जाएगी और इन दोनों के बीच में हमारे 2 सूत हैं तो यहाँ 1/2 इंची हो जाएगी और यहाँ 6ठे सूत पे यहाँ 1/4 इंची हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस मैप के जरिए समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हम 48 वोल्ट 5 एम्पीयर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डाटा निकालने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारी बॉबिन की लंबाई चौड़ाई हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसकी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक बॉबिन की ये 2 इंची है और यहाँ से यहाँ तक इसकी अंदर की चौड़ाई जो है 1/4 इंची है और यहाँ ये कोर जो है इसकी 3 नंबर कोर है। तो इसका डाटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए, तो देखिए, एक वोल्टेज के लिए टर्न की माप, इसका फॉर्मूला है, मतलब हमें एक वोल्टेज के लिए कितने टर्न कॉइल में डालने पड़ेंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला है, टर्न इजिकल टू 8/ लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें ये लंबाई जो है बॉबिन की लंबाई होती है, चौड़ाई बॉबिन की ये चौड़ाई है यहाँ। तो हमारे टर्न इजिकल टू 8, हमारे ऊपर कॉमन 8 आ जाएगा और नीचे देखिए ये 2 जो है हमारी ये बॉबिन की लंबाई है 2 इंची और देखिए चौड़ाई 1.25 इंची है। यहाँ भी देखिए इसकी बॉबिन की चौड़ाई जो है 1.25 इंची है। तो हमारा इसमें 2 में 1.25 का गुणा होगा तो इसमें 2.5 आ जाएगा। अब इस 2.5 को हम 8 में भाग देंगे तो इसका 3.2 आ जाएगा। मतलब एक वोल्टेज के लिए जो हमें टर्न डालने हैं 3.2 टर्न डालने हैं। और देखिए, इसमें प्राइमरी कॉइल जो हमारी बनेगी उसमें हमें 220 वोल्टेज के लिए टर्न कितने डालने पड़ेंगे तो इसमें एक वोल्टेज की हमारे निकल के आ रहा है 3.2। तो इसमें 3.2 का गुणा करेंगे, 220 वोल्ट में 3.2 का गुणा करने पर 704 टर्न आ जाएंगे। तो प्राइमरी कॉइल में हमारे 704 टर्न पड़ेंगे और वायर का गेज जो होगा 29 नंबर होगा। और इसकी सेकेंडरी कॉइल पर आ जाएंगे। देखिए, सेकेंडरी कॉइल में 48 वोल्टेज के लिए हम कितने टर्न डालेंगे तो हमारा एक वोल्टेज के लिए जो टर्न आ रहे थे 3.2, तो इसमें 3.2 का गुणा करेंगे तो इसमें 153 टर्न हमारे आ जाएंगे। और देखिए, इसके सेकेंडरी कॉइल में हमें वायर का गेज जो डालना है वो 20 नंबर का इसमें गेज डालना है हमें। तो चलिए इसकी कॉइल को बनाना शुरू करते हैं।
अब देखिए हमारी ये कॉल पूरी तरीका से कंप्लीट हो गई है। इसकी ये प्राइमरी कॉल है और ये सेकेंडरी कॉल है, और इस प्राइमरी कॉल में हमने 704 टन डाल दिए हैं 29 नंबर वायर से, और सेकेंडरी कॉल में हमने 153 टन डाले हैं इसमें 20 नंबर वायर से। अब देखिए इस कॉल के अंदर हमें ई और आई वाली कोर हमें लगा देनी है, तो हमें इस कॉल को इस तरीका से रख लेना है, और इसमें हमें ये पत्ती जो लगानी है उसमें हमें एक ध्यान देना है, इसमें एक साइड हमारी नुकीली होती है और एक साइड प्लेन होती है, तो हमें नुकीली साइड सभी की नीचे को करके लगानी है, एक साइड में नुकीली साइड रखनी है जिससे हमारा ट्रांसफार्मर एम्पियर नहीं लेगा। अगर एक ऊपर है और एक नीचे कर दोगे तो उससे हमारा ट्रांसफार्मर एम्पियर लेगा। देखिए इस कॉइल में हमें एक ई लगानी है और एक इधर से आई लगानी है। इसमें अगर सिंगल सिंगल पत्ती लगाओगे तो ट्रांसफार्मर एम्पियर नहीं लेता है, अगर एक साथ में अगर दो दो चार चार लगाओगे तो आपका ट्रांसफार्मर एम्पियर लेगा जिससे हमिंग की भी आवाज़ आएगी, तो एक एक लगाने पर बहुत बढ़िया काम करता है। तो मैं इसमें फ़िलहाल जो है एक एक पत्ती और एक एक आई दोनों साइड से लगा रहा हूँ, और ये हमारी पूरी जो पत्ती इसमें भर जाएंगी तो उसके बाद में मैं डबल डबल पत्ती लगाता हूँ जिससे कि हमारी जो पत्ती लॉक होती है वो आसानी से लॉक हो जाए। अब देखिए ट्रांसफार्मर जो है हमारा पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया है, और इधर हमने इसकी प्राइमरी कॉल पर एसी के 220 वोल्टेज दे दिए हैं, और सेकेंडरी कॉल पर हमने अपना मल्टीमीटर फिट कर रखा है, और देखिए यहाँ हमने अपना मल्टीमीटर जो है एसी के 220 वोल्टेज पे सेट कर रखा है, तो इसके आउटपुट में वोल्टेज हम चेक करके देखते हैं। देखिए लगभग 47-48 वोल्टेज के आसपास में इसमें आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे ये एसी के इसमें 48 वोल्टेज के करीब आ रहे हैं, और इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें डायोड और कैपेसिटर लगाना पड़ता है, उससे हमारे डीसी बनती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।